गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग? आशा करता आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अभी रेडी शेडी हो गए हैं और चलना है ऑफिस। थोड़ा सा फटाफट नाश्ता कर लिया जाए, नाश्ता करके फिर चलते हैं। गाइस नाश्ता आ चुका है, आम चूरा। तो गाइस नाश्ता हो चुका है, एकदम फ्रेश, एकदम सफा चट, धो पोछ के बराबर। तो गाइस अब चला जाए ऑफिस के लिए। गाइज अभी निकल चुके ऑफिस से और आज चलते हैं झंडे वाला मंदिर। काफ़ी टाइम हो गया गए हुए, जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है तब से झंडे वाला गए नहीं है। तो गाइज आज चलते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं और हम भी माता रानी के मत्था टेक के आते हैं। काफ़ी टाइम हो गया तो अभी चलते हैं सीधा झंडे वाला मंदिर। तो गाइज फाइनली आ चुके हैं अभी झंडे वाला मंदिर, अब आप लोगों को लेके चलते हैं अंदर दर्शन कराते हैं। गाइस ये झंडे वाला मंदिर का एंट्री गेट है, यहाँ से आप प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद इधर आपका टू व्हीलर की पूरी पार्किंग उपलब्ध है, जहाँ से देख सकते हैं आप इधर टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं। पूरी पार्किंग का मंदिर की तरफ से व्यवस्था है पूरा, आप पूरे में इधर टू व्हीलर की पार्किंग कर सकते हैं। बाहर फोर व्हीलर की पार्किंग का है और मंदिर के वॉलेंटियर भी आप लोगों के लिए सुविधा के लिए इधर कूड़े में लगे रहते हैं। और अभी हम चलेंगे मंदिर की तरफ, अभी चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ से ये बैरिकेड किया हुआ है ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से, और भीड़ भाड़ तो होती है माता के दरबार में। अब हम बैरिकेड के अंदर आ चुके हैं, अब यहाँ पर अपना जूता चप्पल सबमिट करा दें फिर आगे चलते हैं। यहाँ तो बहुत तकलीफ भीड़ है, बाहर में देख करके आपको जहाँ तक नजर जाएगी आपको पूरी में भीड़ भीड़ नजर आएगी। यहाँ पे जूता चप्पल का बैराग मना हुआ है, यहाँ पे जूता चप्पल जमा करना है। सब हमारे भाई बंधु हैं जो माता के दरबार में अपने सेवा में लगे रहते हैं। गाइस यहाँ पे जूता चप्पल जमा करा लिया है और टोकन ले लेते हैं। जय माता की, टोकन ले लिया, अब अंदर चलते हैं। इधर से अंदर जाने का रास्ता है जल सेवा, ये भाई यहाँ पे जल का सेवा करते हैं माता के दरबार में। जय माता जी, ये भी सब अच्छे लोग हैं यहाँ पे, हम भी थोड़ा सा इनके सेवा का ले लिया जाएगा। तो गाइस अब चला जाए मंदिर के अंदर जय माता की, और यहाँ से हम करेंगे एंट्री माता के दरबार के लिए। गाइस यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ये सब सेवादार हैं जो माता के दरबार में सेवा में लगे रहते हैं। जय माता की, जय माता की, बदमाशी नहीं करो, आ जाओ। गाइस भीड़ कम है इसलिए सिंगल लाइन में जा रहे हैं हम लोग माता के दरबार में। जय माता की, अभी चलेंगे अंदर। जय माता की, जय माता, देख सकते हैं आप श्रद्धालुओं का कितना भीड़ है, कितना जमा भरा है। जय माता की, जय माता की, माता के दरबार में यहाँ आके मन एकदम आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। आप लोग भी अवश्य आए, अगर आप लोगों का टाइम है तो अवश्य माता के दरबार में दर्शन के लिए आएँ। ओह माय गॉड, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी आए हैं माता के दर्शन के लिए। जय माता की, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य। अब लाइन अभी रुक गई है लेकिन बहुत ही अच्छी व्यूज, छोटे छोटे बच्चे भी हैं माता के दरबार में माता के गर्भ देख के
नज़दीक जाते हुए। माय गॉड, गर्मी भी ज़्यादा है लेकिन यहाँ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। लो माता रानी की, लो माता रानी की। सभी माता रानी के दरबार में पहुँच चुके हैं। जय माता दी, जय माता। हम लोगों भी दर्शन कराएं माता रानी का। ये सारे यहाँ के सेवादार हैं जो माता के सेवा में लगे रहते हैं। बोलो माता रानी की जय। जय माता की, जय माता की। आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं, टाइम निकाल के अवश्य आना है दर्शन के लिए। अंदर की तरफ चलें, माता के दर्शन हो गए हैं। और भी इधर का व्यूज है, लाइक बहुत ही अद्भुत अद्भुत और सुकून और शांति प्रद यहाँ का वातावरण है। जय माता की, पूरा परिसर है। जय माता रानी। अभी आते हैं इधर, जय वीर विजय। आगे की तरफ चलते हैं। जय माता की, जय माता का। माता के नाम चल रहा है, माता द्वारा। जय माता। इंजन बंद होने का टाइम हो चुका है। लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि आगे की तरफ चले। बहुत ही अच्छे भी और बहुत ही सुंदर वातावरण। जय माता रानी। देख सकते हैं लोग यहाँ पे बैठ के भोजन कर रहे थे, जाप कर रहे थे। और सभी लोगों को आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग चलें, क्योंकि मंदिर का बंद होने का टाइम आ गया है। हम भी महादेव के दर्शन कर लें थोड़ा। जय जय माता रानी। गाइस, अभी माता के दरबार में आरती का टाइम हो गया है। सभी श्रद्धालु जा चुके हैं बाहर। तो हमने कोई रिक्वेस्ट किया लेकिन बोले कि नहीं, मंदिर समिति से बात करना पड़ेगा। तो उनका टाइम खत्म हो चुका है, वो लोग जा चुके हैं। तो हमें भी बाहर चलना चाहिए। तो गाइस सब चल रहे हैं बाहर, इधर सफाई का काम चल रहा है। तो हमें भी बाहर की तरफ चलना चाहिए। जय माता की, बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य है। गाइस माता का द्वार बड़ा परिसर है। श्रद्धालु जो कि लाइन में खड़े हैं, और आरती के बाद जब मंदिर का पट खुलेगा तो इन लोगों को दर्शन मिल पाएगा। बहुत ही लंबी कतार है सारे श्रद्धालु, और बहुत ही लंबे लाइन में लगे हुए हैं। जय माता जी। देख सकते हैं, बहुत लाइन। आप लोग अवश्य माता के दरबार में जो प्रसाद लेने के लिए माता के तस्वीर जो भी चाहे आप इधर ले सकते हैं। ये माता का गुंबद है मंदिर के ऊपर का। उसमें से जूता ले लिया जाए, यहाँ से फिर चलते हैं। गाइस बहुत अच्छा दर्शन हुआ, अब चला जाए बाहर, फूल वगैरह ले लिए हैं। अब चलते हैं घर, बाइक लें और घर के लिए प्रस्थान किया जाए।
गर्मी इतनी बाहर में कि हालत ख़राब हो गई। अब फाइनली घर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं मेरे टकले पे कितना पसीना है, पूरा हाथ गीला हो जाता है। ऑर्डर लगा दो पापा। ओह माय गॉड, पिटेगा क्या? और क्या हाल है आपका? ठीक है। बढ़िया है? बहुत बढ़िया है। और रिशु कहाँ गए? बंदर बंदर उसको जगह पे रखिए, खोल के पापा का सिलेंडर पर आइए, सिलेंडर पर रख के आइए और उसके बाद ना पापा को कुछ पीने का उपाय लगाइए। अच्छा मैडम जी क्या कर रही हैं, ये क्या हो रहा है? तो कुछ बनाने जा रहे थे कि पापा 10 बजे तक आएंगे तब तक बन जाएगा। अच्छा पापा तो जल्दी आ गए। यह बात है तो वैसे देखिए ये फ्रूट कस्टर्ड की तैयारी चल रही है। ओह माय गॉड, लेकिन आज हम जल्दी आ गए, कोई बात नहीं। और सरकार आप बताइए। तो गाइस खाना पीना हो गया कंप्लीट, अब आ रही नींद, अब सोने जा रहे हैं। फिर आप लोगों से कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।